बेसन बनाएंगे टोमेटो पूरी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे हम एक चम्मच माखन। माखन मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे ताजा 5 टमाटर। टमाटर को हमें रोस्ट करना है बोथ साइड से, तो हम इसको धीमी आंच में पकाएंगे। रोस्ट होने के लिए लगभग 10 मिनट लगता है। देखिए हमारा टमाटर बोथ साइड से रोस्ट हो गया है। अब टमाटर को एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। टमाटर ठंडा हो जाने के बाद हम इसका स्किन हटा देंगे यानी छिलका। अब इसी टमाटर को एक ग्राइंडर में हम डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरी कढ़ाई में डालेंगे बटर। ये रेसिपी पूरा बटर से बनता है, तो हमें ज्यादा बटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए बटर मेल्ट हो गया है। अब कढ़ाई में डालेंगे पनीर, मैंने क्यूब साइज में कट के रखा है। पनीर को हम 1 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच में। 1 मिनट बाद हम कढ़ाई में डालेंगे टमाटर की पेस्ट। पेस्ट को बहुत अच्छे से पनीर के साथ मिला लेंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और चीनी। सारा मसालों को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। टमाटर पनीर खट्टा मीठा होता है और चटपटा भी होता है, तो इसमें हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे और ये मैंडेटरी भी है। पनीर को धीमी आंच में 15 मिनट तक पकाएं और कुकिंग स्पून को बीच बीच में चलाते रहें। देखिए हमारा पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। इसको एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। पनीर को बहुत अच्छे से प्लेटिंग करके इसको रोटी पराठा के साथ सर्व करें। बहुत ही चटपटा है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा।